बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिम्मी फूड्स में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश फ्राई, जो बाहर खाई जाती है होटलों पे और काफ़ी क्रिस्पी बनती है, मज़ेदार। तो उसकी रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ़िश फ्राई के लिए हमने यहाँ पे फ़िश ली है 1 किलो। चाट मसाला लिया है हमने 2 टीस्पून। गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून। और कुटी हुई मिर्च ली है 1 टीस्पून। काली मिर्च ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून। भुना हुआ और कुटा हुआ जो है साबुत धनिया लिया है 1 टीस्पून। अजवाइन ली है 1 टीस्पून। बेसन लिया है 4 से 5 टेबलस्पून। नींबू का रस लिया है हमने। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 टेबलस्पून। चिली सॉस लिया है यहाँ पे हमने, और सोया सॉस लिया है, और यहाँ पे हमने ऑयल भी लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और ये मसाले जो है वो बनाएंगे। तमाम मसाले हम एक बाउल में डाल देंगे। अब बेसन भी हम इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन पेस्ट, नींबू का रस, सोया सॉस। सोया सॉस जो है वो हम 2 टेबलस्पून डालेंगे। अक्सर ये फिश फ्राई में यूज़ नहीं होता, पर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ये 2 टेबलस्पून डालेंगे हम। टू टेबल स्पून जो है चिली सॉस डालेंगे। अब मसाले को जो है वो मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा पेस्ट नुमा बना देंगे इसे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका थोड़ा पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल पतला ना करना है, ना ही बिल्कुल ठीक करना है, नॉर्मल बनाना है। देखिए इस तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें मछली को डिप करेंगे। हम एक पीस लेंगे और इसको अच्छी तरह से डीप करेंगे ताकि अच्छे से ऊपर नीचे से कोट हो जाए इसका। और इसको इस तरह से निकाल लेंगे। तमाम पीसेस में इसी तरह से हम कोट करेंगे। दही काफ़ी अच्छा सा खूबसूरत सा कलर ये आ गया है हमारी फिश में। तमाम फिश में हमने मसाला लगा लिया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके लिए रखेंगे। इसको हम कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो है फिश जो है वो मैरिनेट के लिए रखी थी, अब हमने इसे निकाल ली है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर हम इसे फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसके फिश के जो पीस हैं वो इसमें रखेंगे। इसमें नॉर्मल स्लो फ्लेम रखनी है
इसी तरह से सारे पीसेस हम रख लेंगे। सारे पीसेस जो है वो हमने इसमें डाल लिए हैं। अब इसे नॉर्मल फ्लेम पे जो है इसे हम पकाएंगे। अब हम अपनी फिश को जो है वो नीचे से चेक कर लेंगे। ये हमारी नीचे से फ्राई हो गई है। हम तमाम फिश को जो है वो पलट देंगे। बिल्कुल अच्छा से ध्यान से इसमें इसको पढ़ना है, वरना अगर ज़्यादा जोर से करेंगे तो पीछे तेल की उड़ेगी। तो फ्रेंड्स हमारी फिश जो है वो फ्राई हो चुकी है दोनों तरफ से, ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करके सर्व करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स हमारी मज़े मज़े की ज़बरदस्त सी मछली जो है फिश फ्राई रेडी हो गई है। और सर्दियों में अमूमन बहुत शौक से खाई जाती हैं। ये स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं, खाएं और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।